नॉलेज नहीं। सो सुन लिया, सो स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों WWE का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस, फास्टलैंड नहीं होने जा रहा है इस साल, यानी 2022 में प्रीमियम लाइव इवेंट फास्टलैंड नहीं होने वाला। तो दोस्तों वो कैसे इस वीडियो में क्लियर करने वाले। और दोस्तों बॉबी लैशली के फैंस के लिए काफी बुरी न्यूज सामने आ चुके है, क्योंकि गाइस बॉबी लैशली हो चुके हैं गाइस एलिमिनेशन चैम्बर में ऑफिशियली इंजर्ड। तो दोस्तों क्या कुछ रूमर्स है, क्या कुछ अफवाह है, इस वीडियो में क्लियर करने वाले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस फास्टलैंड। 2015 से लेकर 2021 तक ये इवेंट चलता आ रहा है, और दोस्तों ये प्रीमियम लाइव इवेंट काफी खतरनाक और ऑसम था। पर गाइस 2022 में इवेंट नहीं होने वाला, क्योंकि गाइस मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, देखिए ऊपर वाली स्क्रीन में आप देख ही सकते हो कि WWE ने एक अपना ऑफिशियल पोस्टर बैनर ऑफिशियल रिव्यू किया है, जिसमें दोस्तों सारे इवेंट कहाँ पे होने वाले, कौन से राज्य में होने वाले, जैसे कि आप ऊपर वाली स्क्रीन में देख ही सकते हैं। उसमें गाइस 2000 जो है ना क्राउन ज्वेल के बाद, क्राउन ज्वेल बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन चैम्बर के बाद एक भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है, जैसे कि आप ऊपर वाले स्क्रीन में देख ही सकते हो कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद एक भी कौन सा भी इवेंट नहीं है, पेपर व्यू भी नहीं है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, मैं इस दौर पे बोल रहा हूँ, मतलब कि इसके आधार पे बोल रहा हूँ कि फास्टलैंड इस साल नहीं होने वाला। तो दोस्तों मार्च जो महीना है ना, वो वैसे ही वेस्ट जाने वाला है, कौन सा भी इवेंट या फिर कौन सा भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं इसमें। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, फास्टलैंड होना चाहिए फिर नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। बाय द वे हमारे लास्ट के अपडेट के बारे में बोलते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा 2022 के एलिमिनेशन चैंबर में गाइस सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी को एक पावर बम लगाया था, और गाइस वो पावर बम सीधा गाइस बॉबी लैशली के पॉड पे लगा था, और गाइस बॉबी लैशली इंजर्ड हुए थे इसमें, और गाइस एलिमिनेशन चैंबर का बॉबी लैशली ना नड़ते हुए चले गए, यानी गाइस उनको मेडिकल टीम ले गई। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना है कि बॉबी लैशली को रॉयल रंबल में इंजरी हुई थी, यानी गाइस ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के मैच में बॉबी लैशली को इंजरी हुई थी, और दोस्तों वो बॉबी लैशली इंजरी रॉयल रंबल से गाइस एलिमिनेशन चैंबर तक लाए। और दोस्तों आपने दोस्तों इसके परिणाम 2022 के एलिमिनेशन चैंबर में देखे, बॉबी लैशली को जरा ज्यादा ही इंजरी हुई लगता है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहना है कि बॉबी लैशली 4 महीने तक WWE से दूर रहने वाले। आई डोंट नो अब क्या होने वाला है WWE के साथ। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा, साशा बैंक को भी ऐसी ही इंजरी हुई थी, और WWE ने यही सही बताया था कि साशा बैंक की इंजरी को रिकवर करने में दोस्तों ऐसे ही कुछ महीने लगेंगे। दोस्तों ऐसा ना हो और बॉबी लैशली रेसलमेनिया इवेंट करे, यही मेरी काफी बड़ी इच्छा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, बॉबी लैशली रेसलमेनिया हेडलाइन कर सकते हैं फिर नहीं, यानी वो रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फिर नहीं, मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो अलविदा, मिलते हैं कल विदा।